हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं करेक्टर स्केच ऑफ रवि, जो कि आपके सिलेबस के यूनिट फिफ्थ में अनीता देसाई की एक शॉर्ट स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट से लिया गया है। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं करेक्टर स्केच ऑफ रवि। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द करेक्टर स्केच ऑफ रवि। रवि इज द प्रोटागोनिस्ट एंड सेंट्रल करेक्टर ऑफ अनीता देसाईज शॉर्ट स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट, यानी रवि अनीता देसाई की शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम गेम्स एट ट्विलाइट है, उसका नायक और मुख्य पात्र है। रवि इज वन ऑफ द यंगर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। रवि अपने परिवार में सबसे छोटा सदस्य है। व्हेन अनीता देसाई इंट्रोड्यूसेस हिम, जब अनीता देसाई उसका परिचय कराती हैं। द एक्शन ऑफ द स्टोरी रिवॉल्व्स राउंड द करेक्टर रवि। पूरी कहानी रवि के इर्द गिर्द घूमती है। ही ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द गेम्स ऑफ हाइड एंड सीक। रवि भी लुका छुपी के खेल में टेक पार्ट यानी हिस्सा लेता है। रवि इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल। रवि सभी में सबसे छोटा है। एंड इज निग्लेक्टेड बाई ऑल, और सभी के द्वारा उसे नज़रअंदाज किया जाता है। द कंपेनियन ऑफ रवि डू नॉट टेक हिम सीरियसली। रवि के साथी रवि को गंभीरता से नहीं लेते हैं। बट ही टेक्स द गेम सीरियसली, लेकिन रवि खेल को गंभीरता से लेता है। दिस डेडिकेशन एंड सीरियसनेस आर द सिग्निफिकेंट ट्रेट्स ऑफ हिज करेक्टर। रवि का डेडिकेशन यानी समर्पण और सीरियसनेस यानी गंभीरता उसके करेक्टर के मुख्य लक्षण हैं। व्हेन He hides himself in the dark shed, जब वह अपने आप को एक डार्क शेड में छिपाता है। And he thinks that, वह सोचता है कि he cannot catch by his companions, कि वह अपने साथियों के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता है। The psychology of Ravi was thinking that, रवि की साइकोलॉजी सोच रही थी कि ही विल डिफीट द चैम्पियन रघु इन द गेम। वह गेम में चैम्पियन रघु को हरा देगा। एंड ही बिगिन्स टू ड्रीम बिकमिंग द चैम्पियन, और रवि चैम्पियन बनने का सपना देख रहा था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद द कंपेनियंस ऑफ रवि डिड नॉट फाइंड हिम। रवि के साथी रवि को नहीं ढूंढ पाए। देन ही हिमसेल्फ कम्स आउट ऑफ द शेड, तो रवि स्वयं शेड से बाहर आ जाता है। एंड क्लेम्स हिज विक्ट्री इन फ्रंट ऑफ ऑल, और सभी के सामने अपनी जीत का दावा करता है। But he finds that, लेकिन वह पाता है कि he is forgotten by his playmates, कि उसे बचपन के दोस्तों के द्वारा forgotten कर दिया गया है, मतलब भुला दिया गया है। And nobody pays any attention to his claim, और कोई भी उसके जीत के दावे पर ध्यान नहीं देता है।
एंड हिज थिंकिंग ऑफ विक्ट्री इज वर्थ फॉर नथिंग, और उसके जीतने की सोच किसी के लायक नहीं रहती है। एंड आफ्टर दैट, और इसके पश्चात रवि इज टोटली फ्रस्ट्रेटेड एंड बीइंग अलोन, रवि पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड यानी निराश हो जाता है एंड बीइंग अलोन और अकेला पड़ जाता है। हिज ड्रीम इज सेटर्ड, उसके सपने शैटर्ड हो जाते हैं यानी बिखर जाते हैं। दस इस प्रकार रवि इज कन्फ्रंटेड विद द रियलिटी ऑफ हिज ओन सिग्निफिकेंस, रवि अपने स्वयं के महत्व की वास्तविकता का सामना करता है। एट लास्ट अंत में हिज अंडरस्टैंडिंग इज हाइटेंड बाय द फैक्ट दैट, उसकी समझ इस सच्चाई के द्वारा बढ़ जाती है कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ गेम, बच्चे तो गेम खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये था आपका करेक्टर स्केच ऑफ रवि, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल आइकन पर प्रेस करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।